कुछ अपडेट भाई देखो, वो अपडेट मैंने सारी वीडियोस में अपने भी बोला है। पीछे से ठोक के भागने में लगा भैया, अंकल भी पकड़ना पड़ेगा इनको। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज का दिन तो बहुत खास था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिला एंड बहुत अच्छी अपडेट भी मिल गई आज। जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनको फॉलो करो, रियल अपडेट आपको वहीं से मिलेगा। कल को मैं कोई बात बोलूं वो गलत हो जाएगा ना, तो लोग वेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वीडियो आ गई, स्टोरी आ गई, तो पता लग रहा है बेटर रिकवरी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, मैंने 20 दिन वेट करने वाली, लोग बोलते अभी ऐसा हाल है, फिसल के गिर जाओगे ना। दूसरों ने बोलना है इसको बाइक से लग गया, हो गया यहाँ से काम, मिल गया अपन को स्टैम्प। बिना स्टैम्प का कुछ काम हो नहीं पाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक काम। तो ये हो गया यहाँ से, अब चलते हैं वापस। फिलहाल कोशिश यही है कि डेली व्लॉग किए जाए, लेकिन स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी बिजनेस भी देखना है, क्योंकि खाली व्लॉगिंग से भाई काम नहीं होता। चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो, आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ना इतनी इनकम नहीं आती है कि आप खाली यूट्यूब के उस पर बैठ जाएँ, ये चीज़ तो है। बाकी साइड बिजनेस आपका होना चाहिए। हाँ, एक टाइम आएगा जब बहुत अच्छा इनकम आएगी, तब आप बंद कीजिए यूट्यूब, मतलब काम बंद कीजिए एंड यूट्यूब पे आ जाइए। लगता है टाइम, तो टाइम लगेगा। फिलहाल तो जो काम होना है वो हो गया है। इनको तो जाने ही नहीं देंगे भाई, जब तक समझा नहीं देंगे। कहीं फोन तो लगे हुए हैं और पीछे से ठोक दी गाड़ी। अंकल फ़ोन तो बात ना कीजिए, अभी तो हम एक्सीडेंट हो गया था। अंकल वही बोल रहा हूँ कि फ़ोन पर चलाते टाइम ना बात कीजिए आप। हाँ तो उसको कनेक्ट कर लिए ना, अभी तो हम तो ना ध्यान दीजिए इस चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसा भी कांड हो गया, जैसे हो गया भैया गाड़ी वाले ने ठोक दिया अंकल जी ने, तो हम मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भाई कॉल आती है तो कम से कम फ़ोन ना चलाओ। आपकी जान ज़्यादा कीमती नहीं है, तो भाई किसी बाकी की ऐसे ना समझो कि उसकी भी कीमती नहीं है। तो ऑन कॉल आप कभी भी गाड़ी ना चलाओ भाई। अब अंकल जी ने क्या कहा कि कॉल आ गई थी इस वजह से मैंने देखा नहीं। माँ भैया अच्छा खासा चढ़ा दी थी हम पे गाड़ी, तो वो तो बच गए। तो भाई मैं ये तो यही कहूँगा कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। आपने कह दिया भैया गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, तो ये कोई बात नहीं होती है। किसी की जान भी जा सकती है, आप तो सेफ बैठे हुए हो गाड़ी में, बट जो बाइक वाला है ना भाई, उसकी जान तो कीमती है, उसकी भी फैमिली है। तो यही है, अंकल काफ़ी ओल्ड थे एंड खाते खाते थूक भी निकल रहा था उनके पान से, इतना मुँह में पान भी लिए थे, फ़ोन भी लिए थे, पता नहीं क्या चाहते थे। तो मैंने तो समझाया उनको, बट एज की वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन भाई ठीक है, बाकी लोगों के लिए है कि वो लोग ध्यान दें इस चीज़ का, कि जब भी गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं, जो भी चलाएं भाई, फ़ोन ना यूज़ कीजिए। उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके साथ साथ। हो सकता है आप तो कुछ ना हो, लेकिन जिससे आपका एक्सीडेंट होना भाई, उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसकी भी लाइफ है कीमती है, उसकी भी फैमिली है। तो अब बात की जाए अपडेट की, तो जो अपडेट मिला है, तो GS पाजी ने यही कहा कि भाई देखो, जो भी फेक न्यूज़ आती हैं आप लोग ध्यान ना दो उस पर। जो भी अपडेट आएगा सीधे फैमिली वाले उनके अपडेट दे देंगे, तो वो आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी किसी की बातों पे ध्यान ना दीजिए। बहुत से लोग ऐसी न्यूज़ बना देते हैं खाली व्यूज़ के लिए, तो उनका भी कहना सही है एंड उन्होंने भी कोई ऐसी अपडेट अभी दी नहीं है अपनी साइड से।